अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में ट्राउज़र की कटिंग। तो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ जब हम ट्राउज़र कट करते हैं तो उसके लिए हमें 2.5 गज कपड़ा चाहिए होता है। मेरे पास ये 2.5 गज कपड़ा है। अगर आपके पास 2.5 गज हो तो उसमें भी चलेगा, यानी कि 2.25 गज हो तो उसमें भी चलेगा। और कपड़े का अर्ज़ देख लें आप, तो ये देखें ये 42 इंच पे है, ठीक है। चले तो फिर मैं आपको कट करने के लिए कपड़ा निकालूंगी। पहले कपड़े की जो कान है वो मैं निकाल दूंगी, ऐसे सीधा कर लूंगी इसको। तो अब मैं इसकी लंबाई निकाल लेती हूँ पहले ट्राउजर की। थर्टी नाइन इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैं नीचे से मोड़ने के लिए 3 इंच ज़्यादा रखूँगी। 1, 2, 3 इंच मैंने ज़्यादा रखना है, और आधे इंच जो है मैंने ऊपर जो है इलास्टिक लगाने के लिए जो कपड़ा लगाना है उसके लिए मुझे मार्जिन चाहिए। तो मैं 42.5 इंच पे कपड़े की लंबाई निकाल लूँगी। ये मैंने इस कपड़े की लंबाई निकाल के कपड़े को डबल करके जो है सेट करके रख लिया। ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, तो हिप का साइज़ यहाँ पे 54 है पूरा राउंड में। यही फार्मूला लगेगा, हिप के साइज़ से आपने कपड़े की चौड़ाई निकालनी है। तो अब मैं कपड़े की चौड़ाई पे निशान लगा लेती हूँ। अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि आसन कितना रखना है। तो जो हमारी चौड़ाई निकली है उसमें से -4 करना है। यही फार्मूला हर ट्राउज़र पे चलेगा। 14.5 इंच डाउन पे निशान लगा लूँगी। अब मैं 18.5 इंच का मिड पॉइंट लूँगी, पॉइंट निकाल लूँगी ट्राउज़र का। मिड पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है, इससे जो ट्राउज़र की क्रीज है वो बिल्कुल सही बैठती है। अब मेरे ने पांचा मैंने लेना है तैयार 8.5 इंच। 8.5 इंच पे अपनी इंच टेप को ऐसे फोल्ड करूँगी और ये निकल आया 4.2। 4.2 में इस मिड पॉइंट के एक तरफ लूँगी और 4.2 ही मिड पॉइंट के दूसरी तरफ लूँगी। ये मैंने अपने पांचे के निशान लगा लिए। ये जो निशान है यहाँ से मैं 2 इंच अंदर जाऊंगी। दो इंच ही मैं यहाँ से लगाऊंगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं कर्व दे दूंगी, क्रच लाइन बना दी है। यहाँ से मैं 5 इंच नीचे प्लेट का निशान डालूंगी, 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से, टोटल 1 इंच की प्लेट बैठेगी एक साइड की। अब मैंने ये सेफ उठा लेना है, तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने यहाँ पे गुलाई देनी है। तीन इंच के ऊपर मैंने ये एक निशान लगाया है क्योंकि ये 3 इंच ऐसे टर्न होगा, तो मैंने जो शेप देनी है वो यहाँ तक देनी है। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेके आना है क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करूँगी ताकि ये इसके बराबर बैठ जाए। यहाँ दूसरी तरफ भी थोड़ा सा नीचे रख के इस पॉइंट से मैं यहाँ पे शेप दूंगी। ये ट्राउज़र की फ्रंट साइड की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। इतना सा कपड़ा मैंने कट कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा गुलाई में शेप दी। इस पॉइंट पे मैं नॉच लगा लूँगी छोटी सी। अब बैक साइड के लिए मैंने इसको सीधा करके डबल करके बिछा लिया है। लंबाई मैंने नहीं निकाली, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं नीचे की तरफ ही रहने दिया। लंबाई मैंने इसकी कट नहीं की क्योंकि मैं अब फ्रंट साइड आराम से खोलूँगी और इसके ऊपर बिछा दूँगी सीधी करके। इस तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना, सारा एक्स्ट्रा कपड़ा आसन वाली तरफ लेके आना, तो वो बिल्कुल साथ लगा के हम जोड़ेंगे इसको। अब करना क्या है कि यहाँ से मुझे स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है।
ऐसे हाथ से लाके, यानी कि इक्वल इस इक्वल यहाँ से लाके मैंने बैक साइड 4 इंच ऊपर उठा ली है। नॉर्मल ट्राउज़र में 2 से 2.5 इंच उठाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो इसलिए मैंने 4 इंच उठाया है। 4 इंच उठाने के बाद मैंने इसको इस पॉइंट से मिला दिया है जहाँ पे क्रच है हमारा, यहाँ से मैंने 1.5 इंच बढ़ाना है। और ये देखिए कपड़ा है ही 1.5 इंच, तो अगर आपके पास उस तरफ एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ से 1.5 इंच नहीं बचेगा। तो कोशिश करें कि ये साइड बिल्कुल साथ लगा के रखें, यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा ना छोड़े। ये देखें, ये ट्राउज़र की अपनी ऊपर वाली साइड है, आगे का हिस्सा है, इधर से मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा ताकि यहाँ से मुझे 1.5 इंच कपड़ा मिल सके। 1.5 इंच का मैंने यहाँ ऐसे निशान लगाया है और 1.5 इंच का ही मैं अब ऐसे निशान लगाऊंगी। और अब मैं इसको यहाँ से क्रच के लिए कर्व दे दूंगी। ये मैंने बैक साइड का क्रच बनाया, ठीक है। और अब 1.5 इंच मैं सारा आगे निशान लगाऊंगी ऐसे एक्स्ट्रा। उस साइड पे मैंने कोई निशान नहीं लगाया, ये मैं इसके फ्रंट के साथ साथ इसको मैं कटिंग करूंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं देना। और यहाँ से बैक साइड के लिए मैंने सारे निशान लगा लिए हैं, तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज साइज ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है, इसको यहाँ पे 3 इंच मैंने जो है मोड़ने का मार्जिन रखा है जो मैं फोल्ड करूँगी फोल्ड करने का। और ऊपर जो है लास्टिक अलग से 4.25 इंच की पट्टी लेके उसमें लास्टिक लगेगी, ऐसा ना हो कि इसको ही आप मोड़ दें नेफे के लिए, लास्टिक के लिए इसको नहीं मोड़ना, इसके लिए अलग से पट्टी लगेगी 4.25 इंच चौड़ी, उस पट्टी को लगा के उसमें लास्टिक डालेंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।